बालाघाट के तात्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य पर लगे आरोप फिर सुर्खियों में। लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की हाईकोर्ट में चुनौती बन रही कलेक्टर के गले की फांस। तो कलेक्टर रहते उसने पद और अधिकारों का भरपूर दुरुपयोग किया और इस मामले में अगर अपर लेवल कमेटी उसमें जांच करती है तो कलेक्टर की नौकरी जाना तय है, कलेक्टर सस्पेंड होगा, वो बचेगा नहीं। बालाघाट के तात्कालीन कलेक्टर द्वारा खुद पर लगे आरोपों की स्वयं जांच कर क्लीन चिट दिए जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले को हाई प्रोफाइल बनाने में लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की हाईकोर्ट में चुनौती को प्रमुख माना जा रहा है। समृद्धि की याचिका पर हाईकोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। बालाघाट न्यूज से चर्चा में किशोर समृद्धि ने कहा कि तात्कालीन कलेक्टर से जुड़े इस प्रकरण में सरकार की भी गंभीर लापरवाही सामने आ रही थी, इसलिए बीच बचाव भी किया जा रहा था, लेकिन बाद में हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिस पर अब जाकर सुनवाई हुई है। देखिए, पूरा मामला 27/2/2021 से पेंडिंग चल रहा था और कलेक्टर दीपक आर्य जब हमारे यहाँ बालाघाट में था तो इसकी मैंने एक शिकायत की थी यहाँ पे शराब माफिया और रेत माफिया से मिलके सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का वायलेशन करके यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन के बिना जिला प्रशासन चलाने की। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से वो शिकायत आई थी यहाँ जाँच में और कलेक्टर को उसमें चूँकि सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल में भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होने से इसके पास जो कार्रवाई होती है वो सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल में, तो कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिस अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करे और वही अधिकारी उसमें जांच अधिकारी बन के जाँच करे। तो इसने खुद अपनी जाँच करके प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया था। तो मैंने फिर उसकी शिकायत की प्रधानमंत्री कार्यालय को कि इसने सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का वायलेशन किया और अपनी शिकायत खुद ही जाँच करके भेजा, इस पर जाँच होना चाहिए। तो भारत सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को उसमें जांच के लिए भेजा था और मैंने चाहता कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। तो फिर वो मामला चूँकि सरकार उसमें सरकार की लापरवाही सामने आ रही, सरकार इसको बचाना चाह रही थी, फिर हमने इसमें हाईकोर्ट पिटीशन लगाया। तो 27/2/2021 से पिटीशन पेंडिंग चल रही थी और अब जाके उस मामले में सुनवाई हुई। सरकार ने वहाँ पर बीच बचाव का काम किया लेकिन लास्ट में चीफ जस्टिस ने उसमें जाँच के आदेश दिए। किशोर समृद्धि ने इसके साथ ही जिले के रेत माफियाओं को उपकृत किए जाने पर कहा कि कलेक्टर दीपक आर्य ने ट्रेन से रेत भेजे जाने की अनुमति कैसे दी, यह एक गंभीर विषय है। अगर गौण खनिज को ट्रेन से परिवहन करने का नियम होता तो राजस्थान में आज मरुस्थल ही खाली हो जाता। फॉरेस्ट में कोई खदान नीलाम नहीं हुई, फिर इन क्षेत्रों में कैसे खुदाई हो रही है? इस मामले में भी कलेक्टर की भूमिका संदिग्ध रही है। उन्होंने डंप की अनुमति रेत खनन के मामले में खुलकर रेत माफिया को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। ट्रेन से रेत भेजी गई, देखा कहीं आपने पूरे भारत में? अगर गौण खनिज को ट्रेन से परिवहन की अनुज्ञा जारी करने का कहीं नियम होता तो राजस्थान का तो मरुस्थल ही खाली हो जाता, अब तक इतनी रेत की डिमांड है भारत में। दूसरा, बालाघाट में कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन बफर जोन में जो नाले हैं नदियाँ उसको खोद दिया। फॉरेस्ट में कोई खदान नीलाम नहीं हुई, सारी की सारी राजस्व में नीलामी, तो भी फॉरेस्ट में अवैध खुदाई कैसे हो रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दूसरा, एनजीटी की गाइडलाइन है कि नदियों के किनारे कितने दूर पे आप डंप का परमिशन दे सकते हो, तो 10 किलोमीटर तक आपको डंप का परमिशन देने का प्रावधान नहीं। आपने नदी के किनारे सैकड़ों डंप आपने लगा दिए, ठेकेदारों ने डंप करके रखा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बालाघाट में इनके माध्यम से आंवलाझरी में देसी मदिरा भंडार गृह को ठेकेदार के घर में ही परमिट कैसे कर दिया गया, यह सब कलेक्टर की बिना अनुमति के कैसे संभव हो गया। ऐसे अनेक मामले हैं जो तात्कालीन कलेक्टर की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। कुल मिलाकर समृद्धि का मानना है कि बालाघाट कलेक्टर रहते हुए दीपक आर्य ने पद और अधिकारों का भयंकर दुरुपयोग किया। यदि अपर स्तर की कमेटी इसकी जाँच करती है तो उनकी नौकरी भी जाना तय है। बालाघाट में इन्हें आपने देखा होगा आंवलाझरी में देसी मदिरा भंडार गृह, एक ठेकेदार के घर में ही इन्हें परमिट करवा दिया, कलेक्टर के बिना एनओसी को होता नहीं है, वो अपने आप में प्रूफ है। तीसरा यह है कि इनकी जो पत्नी है शालिनी आर्य, उसका कलेक्टर के बंगले में कलेक्टर के नाम के नीचे एक नेम प्लेट लगी हुई है कि शालिनी आर्य लैंडस्केप एंड इंटीरियर डिजाइनर, और शालिनी आर्य ने खनिज निधि के वो तमाम काम जिसको कलेक्टर ने पर्दे के पीछे से जो टेंडर जारी किया उसमें सारा का सारा इसको क्या कहना चाहिए कि
कंसल्टेंट नियुक्त करके उसमें इसने काफ़ी करोड़ और 2 करोड़ से ज़्यादा किसकी पत्नी ने फीस ली। तो पहला है कि कलेक्टर बंगले में उसकी वाइफ धंधा कैसे कर सकती है, कहाँ पे भारत सरकार में कहाँ है ऐसा होता, सारे अधिकारी सरकारी बंगलों में अपनी पत्नियों के नाम पे कंपनियां बना के धंधा चालू कर देते हैं, तो एक बड़ी गलती है। तीसरी ये गलती है कि कलेक्टर रहते हुए आपने जिस तरह का आपको काम करना चाहिए, देवी तालाब आपने देखा होगा, देवी तालाब में उसने एनजीटी का सीधा आदेश है उसके बावजूद भी उसने बचाने का काम किया, देवी तालाब बालाघाट शहर में उसका तोड़ने का काम नहीं हुआ, उसके चारों तरफ से अतिक्रमण हटाने का काम नहीं हुआ। वार्ड नंबर 5 में जो चित्रगुप्त नगर है, सोहन वैद ने नगर पालिका की पास हुई रोड पर अपने मकान की बाउंड्री बना दी, कलेक्टर देखा उसके घर में जाके बैठता था, बिना परमिशन के 3 मंजिल उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, उसको तोड़ने काम करना चाहिए, वो नहीं किया। आपने देखा होगा कि भटेरा प्यावंतीबाई चौक से नैनपुर वाली जो रोड है, आपने रेलवे की तो जमीन से आपने सरेखा में अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन आपने नैनपुर वाली जो रोड है उसमें एक साइड में पैसिफिक मिनरल की जो है पट्टे पर दी हुई ज़मीन है, लीज की ज़मीन है, दूसरे तरफ भी लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया। अगर दोनों साइड से आप 40-40 फीट अतिक्रमण हटा देते हैं तो भटेरा का पूरा जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें भी आपने पैसे भी एक मिनरल से पैसा लिया। तो ऐसी ढेर सारी गलतियां हैं। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य, उसका एक सगा रिश्तेदार भरवेली खदान में सेंड सप्लाई का काम किया, तो कलेक्टर रहते उसने पद और अधिकारों का भरपूर दुरुपयोग किया। और इस मामले में अगर अपर लेवल कमेटी उसमें जाँच करती है तो कलेक्टर की नौकरी जाना तय, कलेक्टर सस्पेंड होगा, वो बचेगा नहीं।